गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आ रहा था गोवा नाइट ट्रैवल को लेके गाइड करो करके, नाइट ट्रैवल गोवा में सेफ है कि नहीं बताओ करके। आप अगर लेट नाइट गोवा पहुंच रहे हो, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट से होटल तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या ऑप्शन है, और रात को ट्रैवल करना सेफ है कि नहीं बताओ करके। और इसके बाद अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, सारे नाइट लाइफ, क्लब, कैसिनो, डिस्कोस, जगह जगह में म्यूजिक इवेंट, पार्टीज अभी स्टार्ट होगा। एक बार आप अगर क्लब या पार्टीज में गए तो रात को 2-3 बजे तक पार्टी चलता है। तो ऐसे में लेट नाइट पार्टी से बाहर आने के बाद आप अपने होटल तक कैसे जाओगे, सेफ है कि नहीं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों का आपको बताने वाला हूँ। आपको ये भी बताने वाला हूँ, आप अगर पार्टीज एंजॉय करना चाहते हो, कौन से लोकेशन में आपको स्टे करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ट्रैवल करने का टेंशन ना हो, आप सेफली सारे पार्टीज एंजॉय करके अपना होटल तक भी पहुँच सकते हो। ज़्यादातर जो ये क्वेरी है ना, कपल्स और गर्ल्स ग्रुप का है, मैंने नोटिस किया हुआ है। तो मैं सोचा एक वीडियो बनाता हूँ और कंप्लीट गाइड करता हूँ। आप अगर इस दौरान गोवा आ रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। चैनल में नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा। और आप अगर गोवा टूर प्लान कर रहे हो, टूर प्लान आइटनरीज का पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, आपके कंप्लीट आइटनरी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अभी पहले बात करेंगे, आप अगर लेट नाइट एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन में पहुंच रहे हो तो क्या ऑप्शन आपको मिलता है। इवनिंग को 7-8 बजे के बाद यहाँ पे बस सर्विस जो है बंद हो जाता है, बस आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में दो ऑप्शन आपके पास बचता है, टैक्सी का या फिर रेंटल। रेंटल आपको अगर लेना है ना, एडवांस बुक कर लेना है। 10-11 बजे के बाद वो लोग आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, या फिर ज़्यादा करके आपको रेंटल नहीं मिलेगा क्योंकि सोल्ड आउट होता है, सीजन टाइम होता है। सारे लोकेशन का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, जाके चेकआउट करके एडवांस में बुक करना। आप अगर रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट के पास रेंट करना चाहते हो तो वीडियोस चेक करके एडवांस बुक करके आप आ सकते हो। ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है टैक्सी। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के पास टैक्सी बुकिंग काउंटर आपको मिलेगा और लेट नाइट तक यहाँ पे टैक्सी का भी ऑप्शन मिलता है। अगर बुकिंग काउंटर ओपन रहेगा तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा काउंटर से ही आप टैक्सी बुक करके नाइट को ट्रैवल करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप आके उनसे कंप्लेन कर सकते हो, काउंटर में जाके कंप्लेन कर सकते हो। ये आपके पास एक सिक्योरिटी हो गया है ना। और एक बात है, गोवा में इतना ज़्यादा क्राइम नहीं होता है, फिर भी नहीं बोल सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को सही गाइड करना और उसके बाद डिसाइड आपको करना है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हो गया। और एक बात है, आप अगर नॉर्थ गोवा में स्टे करना चाहते हो तो आपका अगर रेलवे स्टेशन पड़ेगा तिवम रेलवे स्टेशन, तो वहीं पे उतर जाइएगा, वहाँ पे आपको टैक्सी मिलेगा। और तिवम रेलवे स्टेशन से बागा कलंगूट का जो डिस्टेंस है 18 किलोमीटर है। यहाँ पे रात को मेरे ख्याल से 1000 से 1200 रुपये आपका टैक्सी के चार्जेस होगा, आप पहुँच जाओगे। एक बात और ध्यान रखना है, डे टाइम का जो टैक्सी चार्जेस होगा उससे 200-300 रुपये रात को एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे कोई भी प्लेस से ही। और आप अगर साउथ गोवा जा रहे हो तो आप मारगांव रेलवे स्टेशन से उतर के वहाँ पे आपको टैक्सी बुकिंग काउंटर मिलेगा, वहाँ से आप जा सकते हो। एयरपोर्ट में भी आपको टैक्सी बुकिंग काउंटर एयरपोर्ट के अंदर ही है, वहाँ से बुक करके आप नॉर्थ गोवा या फिर साउथ गोवा जा सकते हो। टैक्सी से आप अगर जा रहे हो तो कोई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। एक बात और है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि रेंट करके रात को 9 बजे 10 बजे हम साउथ गोवा जाना कितना सेफ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। साउथ गोवा आप अगर मारगांव या फिर एयरपोर्ट से पालोलिम आगोंडा के लिए जा रहे हो, रास्ते में फॉरेस्ट एरिया आएगा, यहाँ पे आपको दिक्कत होगा। कपल्स हो तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा रात को ट्रैवल करना बाइक से, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया क्राइम तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर बोल नहीं सकते सिचुएशन कैसा होगा, कौन सा टाइम कैसा रहता है बोल नहीं सकते। तो ऐसे में क्या होगा, फॉरेस्ट एरिया के अंदर आपका बाइक या फिर कार ब्रेकडाउन हो गया तो ये आपको तकलीफ करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा रात को आपको साउथ गोवा ट्रैवल नहीं करना चाहिए रेंटल व्हीकल से, आप टैक्सी से बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये आइडिया आपको मिल गया आपको कहाँ पे उतरना है और कैसे जाना है। बराबर, टैक्सी का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लेट नाइट तक। अभी बात करते हैं, आप अगर गोवा में हो, अभी आपको पार्टी एंजॉय करना है, क्लबिंग को जाना है, कैसिनोज जाओगे, तो कौन से लोकेशन में आपको रुकना है और कैसे पार्टीज़ को आप सारे एंजॉय करोगे, डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए पहले बात करते हैं नॉर्थ गोवा के। नॉर्थ गोवा में आप अगर स्टे कर रहे हो और आपको पार्टीज़ करना है, पार्टी पसंद है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बागा कलंगूट कांदोलिम ये लेन के आसपास आप स्टे करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टीज़ एंजॉय कर पाओगे। जी हाँ, ये साइट में ज़्यादा करके क्लब्स, पब्स, डिस्को, नाइट लाइफ,
सारे चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा। और नाइट लाइफ भी हैपनिंग होता है सीजन के टाइम में, रात को 1-2 बजे तक सारे चीज़ें ओपन होता है और रास्ते के साइड में पूरा भीड़ भाड़ रहता है, तो आराम से आप अपना नाइट लाइफ एंजॉय करोगे। अभी बात करते हैं, यहाँ पे और एक प्लेस है अंजुना, यहाँ पे भी बहुत सारे क्लब्स है और शिवा वैली है, बहुत सारे ऐसे शायक में डिस्को नाइट लाइफ वगैरह चलता रहता है, ये भी आप विजिट कर सकते हो। बागा कलंगुट में रह के ये प्लेस जो है इजीली एक्सेस कर सकते हो, 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आना जाना इजी हो जाएगा। दूसरा जो प्लेस है अरम्बोल बीच, ये भी अपना नाइट लाइफ के वजह से फेमस है। यहाँ पे जो नाइट लाइफ है ना अलग तरीके से होता है। लास्ट ईयर का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, देखिए लास्ट ईयर कोविड का इफेक्ट था जिसके वजह से फॉरेनर्स रशियंस बहुत कम थे, इसकी वजह से ना इनका नाइट लाइफ अरम्बोल साइड का नाइट लाइफ इतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं था। हो सकता है इस साल अलग होगा, अगर रशियंस फॉरेनर वगैरह रहेंगे तो ये लोग जो नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं ना अलग टाइप का होता है, अपने स्टाइल से डांस फायर डांस वगैरह परफॉर्म करते हैं, बीच के ऊपर म्यूजिक वगैरह बजाते हैं, अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, एंजॉय करते हैं, वाइब अलग है। ज़्यादातर आपको इंडियन टूरिस्ट ये साइड में नहीं मिलेंगे, अभी तो जाने लगे हैं पर इतना ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट नहीं मिलेंगे, उनका अलग स्टाइल का आपको यहाँ पे मिलेगा। लाइव म्यूजिक चलता होगा, वो लोग अपने ग्रुप में गाना गा रहे, म्यूजिक बजा रहे, डांस कर रहे, ऐसा आपको अगर एंजॉय करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा अरम्बोल में एक नाइट के लिए आप स्टे करना है। क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आप अरम्बोल में नाइट लाइफ एंजॉय करो, 12-1 बज गया एग्जाम्पल, वहाँ पे आप एंजॉय करते करते लेट हो गया, कपल्स में हो तो वहाँ से आपको अगर बागा कलंगुट आना है ना 25 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से आइडियल चॉइस नहीं है। तो एक नाइट के लिए आप अरम्बोल के साइड में स्टे करना है और वहाँ का नाइट लाइफ एंजॉय करके नेक्स्ट डे आप कलंगुट बागा आ सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन होगा। या फिर आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, आपको अगर अप डाउन करना है तो ये भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ गोवा के हर रास्ते में टूरिस्ट आपको मिलेंगे, रास्ते रास्ते में पुलिस रहेगा, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी बात करते हैं कैसिनो, कैसिनो जो है पेंजिम सिटी में, मांडवी रिवर में सारे फ्लोटिंग कैसिनोज है। तो बागा कलंगुट में आप अगर स्टे कर रहे हो तो आपको 18 किलोमीटर पेंजिम सिटी के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पे सारे कैसिनोज क्रूज नाइट लाइफ वगैरह एंजॉय करोगे, नाइट क्रूज डिनर क्रूज सारे आपको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे जाके एंजॉय करके आप लेट नाइट आओगे, टेंशन नहीं है। एक आपको ध्यान रखना है, ड्रिंक एंड ड्राइव का अभी फाइन बहुत बड़ा है, 5 से 10 हज़ार तक का ड्रिंक एंड ड्राइव का फाइन है और इसके साथ आपका लाइसेंस भी सस्पेंस हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके ग्रुप में ऐसा बंदा है जो कि ड्रिंक नहीं करता है तो उसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, ड्राइव कर लेगा, आप बैठ के आ सकते हो या फिर आप टैक्सी प्रीफर करें। ड्रिंक एंड ड्राइव का बहुत मोटा चालान यहाँ पे पड़ रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट को मैंने देखा है लाइन में ऐसे रुका के पुलिस फाइन मरता है। तो ऐसे में आप कैसीनो जा रहे हो, बिल्कुल सारी चीज़ें अनलिमिटेड होता है, अब जो पैकेज लेते हो उसमें सारे ड्रिंक्स अनलिमिटेड होगा, फूड अनलिमिटेड होगा, तो ऐसे में आप अगर ड्रिंक कर रहे हो तो टैक्सी प्रेफर करें, टैक्सी सेफ भी है, आप आराम से अपने होटल तक भी पहुंचोगे। तो ये हो गया नॉर्थ गोवा का सिचुएशन आपको बता दिया, अभी बात करते हैं साउथ गोवा का। साउथ गोवा में कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है जहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए, एक है सिटी के पास कोलोआ बेनावलिम बीच, उसके आसपास स्टे करें और वहाँ पे एक ही स्ट्रेच में आपको 5-6 बीच मिलेगा, ये पूरा एक्सप्लोर करेंगे और नाइट लाइफ आप कोलोआ बेनावलिम मोबोर बीच के पास आप अपना नाइट लाइफ एंजॉय करोगे, ये यहाँ पे आपको एक दिन स्टे करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से फिर आप अगर पलोलिम अप डाउन करोगे पॉसिबल नहीं है, रात को 30-35 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और जैसे मैंने आपको बताया फॉरेस्ट रोड रिस्की है, तो यहाँ पे एक नाइट स्टे करना है, नाइट लाइफ एंजॉय करना है और उसके बाद आप ट्रांसफ़र हो जाओगे पालोलिम या फिर आगोंडा बीच में, ये दो प्लेस में आपको स्टे करना है। यहाँ पे देखिए जैसे इवनिंग हो जाएगा ना आप अपने लोकेशन के पास पहुंच जाइएगा और उस बीच के आसपास अपना नाइट लाइफ एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा करके यहाँ पे ना फॉरेस्ट रोड से ही आपको ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ पे आप रेंटल लेके आ रहे हो, अगर गर्ल्स ग्रुप हो या फिर कपल्स हो थोड़ा रिस्क हो जाता है फॉरेस्ट एरिया में आपको ट्रैवल करना और अननोन प्लेस है, रात को रास्ता भी पता नहीं चलता है, तो बेस्ट है डे टाइम में सारे प्लेस एक्सप्लोर कर ले और इवनिंग को अपने होटल के पास पहुँच के उसी बीच का नाइट लाइफ आपको एंजॉय करना है, ये क्या बोलते हैं उसको सेफेस्ट तरीका है, आराम से आप अपने टाइम पे एंजॉय कर सकते हो, है ना। पालोलिम बीच में 2 क्लब है, एक है साइलेंट नॉइज हेडफोन पार्टी पालोलिम बीच में है और है पालोलिम टू आगोंडा के बीच में है लेपर्ड वैली करके एक क्लब है, वहाँ पे भी जाके आ सकते हो, ये 2 क्लब है और उसके बाद बीच साइड में आपको लाइव म्यूजिक मिलेगा, इतना ज़्यादा जो नॉर्थ गोवा में होता है ना हैपनिंग डीजे म्यूजिक फट ये नहीं होगा, लाइव म्यूजिक होगा, शेक साइड में लाइव म्यूजिक होगा, कैंडल लाइट डिनर करोगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा।
तो इस तरीके से आप अपना नाइट लाइफ एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहा था गाइड करो कर नाइट ट्रैवल सेफ है कि नहीं बताओ करके, तो मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया कहाँ पे स्टे करना है, कैसे ट्रैवल करना है, ठीक है। इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, फिर भी हम बोल नहीं सकते कौन से टाइम पे क्या होगा, किसी को पता नहीं होता है। तो ऐसे में खुद का सेफ्टी फर्स्ट और उसके बाद आप एंजॉय करें। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना और उसके बाद आप लोगों को डिसाइड करना है क्या करना चाहते हो। ये वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। हेल्प तो बिल्कुल करेगा, आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।